अंधे मोड़ सीधे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। आप ब्लैक स्पॉट कहें या फिर अंधे मोड़, इन्हीं अंधे मोड़ों के कारण हिमाचल प्रदेश की कई अनमोल जिंदगियां अकाल मौत का ग्रास हर रोज बन रही है और इस बात का संज्ञान केंद्र सरकार ने स्वयं लिया है। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को निर्देश मिले हैं कि ऐसे ब्लैक स्पॉट की जल्दी से जल्दी पहचान करें और ब्लैक स्पॉट के अधीन आते आधा किलोमीटर क्षेत्र को भी ब्लैक स्पॉट में ही रखा जाए। इन्हें सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि इनका तुरंत सर्वे करवाकर केंद्र को भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रदेश के परिवहन विभाग ने 16,800 करोड़ का एक अनुमानित प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव को शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बड़ी धनराशि हिमाचल को मिलेगी और ब्लैक स्पॉट पर तुरंत काम भी शुरू होगा। सबसे पहले झमाझम बारिशों का जी रुके नहीं है, न मानसून कमजोर पड़ा जैसे पहले आशंका जताई जा रही थी। सबसे पहले जानकारी क्या है मौसम को लेकर? बिल्कुल जी, आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे से लगातार स्कैटर्ड रेन हो रही है, हैवी रेन हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है अलग अलग हिस्सों में हो रही है और ये बारिश का सिलसिला आज सुबह तक भी जो है वो जारी रहा है। तो इस तरह से बारिश की जो है वो खबरें हैं। जी जी, अच्छा ओंकार जी, एक और चीज प्रशासन ने एक बार फिर से कहा है, अपना ख्याल रखिए, जरूरी हो तभी यात्रा करें, नदी नालों के किनारे मत जाएं। इस एक तरह से चेतावनी ही समझ लीजिए ओंकार जी, बार बार प्रशासन ऐसा बोल रहा है। लगता है ज्यादा बारिश होने वाली है आने वाले दिनों में या अगले कुछ समय में, क्या जानकारी क्या है इस विषय में? बिल्कुल, प्रशासन आपने सही कहा कि प्रशासन बार बार ये आग्रह कर रहा है कि बहुत बहुत अगर जरूरी हो तभी घरों से निकले। वो इसलिए कह रहा है कि आने वाले 24 जुलाई तक अनिल जी भारी से बहुत बहुत भारी बारिश का जो है वो अनुमान है। येलो अलर्ट जारी किया अगले 3 दिन। जी जी, तो अगले 3 दिन जो है वो बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं, ऐसी आशंका मौसम विभाग ने वो जताई है। जताई है, चेतावनी भी समझिए, मौसम विभाग की बात को तो हमें चेतावनी के तौर पर ही ले लेना चाहिए। हम जानते हैं ओंकार जी, बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री इसमें परसों ये बात बोल चुके हैं 2 दिन पहले कि ऐसा अब थोड़ा ख्याल रखिए चीज़ों को लेकर। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी बरस चुका है, पहाड़ पानी से आप ये समझिए कि भरे हुए हैं। जी जी, है ना जी, ज़मीन वैसी है और जो खड्ड नाले नदियाँ हैं वो भी उफनने को तैयार बैठे, क्योंकि जहाँ अभी तक बहुत सी जगह पर ये कहा जा रहा है कि अभी खड्डे नहीं आई हैं, ये सही बात भी है। निचले हिमाचल के कई क्षेत्रों में जैसा होता है कि कई बार खड्ड में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, छोटी नदियाँ जो होती हैं खड्ड हम समझते हैं सब लोग, ये बाहर के लोगों के लिए शायद खड्ड समझाना मुश्किल है, वहाँ पानी नहीं आया है। तो अब देखिए धीरे धीरे, आप देखिए, आप अगर पैटर्न समझेंगे मौसम का या मॉनसून का तो घूमता हुआ आ रहा है वो, तो सभी क्षेत्रों का इसमें नंबर लग सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। अच्छा ओंकार जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही, प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है, सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, लोगों को समय पर चेतावनी दे रही है, मौसम विभाग भी इसमें बहुत साधुवाद के पात्र हैं सभी लोग। लेकिन फिर वही बात, लोग बार बार ये सवाल उठाने लगे, परसों भी हमने इस चीज़ पर चर्चा की थी कि एक तरफ तो हमें पता है कि यात्रा करने से बचने की सलाह दी जा रही है, क्यों? क्योंकि लहासे आ सकते हैं, पहाड़ गिर सकते हैं, पत्थर नीचे सड़क पे आ सकता है, संभल के चलिए, जगह जगह बोर्ड भी लग जा रहे हैं ओंकार जी। लेकिन इसके साथ ही साथ कई स्थानों पे जो सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, इस भरी बरसात में भी मशीनें लगी हुई हैं। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ नदियां बह रही हैं, बीच में सड़क है, सड़क पे जैम है और साथ में ही एक बड़ी सी मशीन जो है वो पहाड़ खोद रही है और वहां पे साथ ही साथ नीचे मलबा आया हुआ है। अब वहां बैठे लोगों का हलक इसलिए सूख जाता है कि भगवान ना करे अगर किसी वजह से मलबा जोर से नीचे आ गया तो हम तो यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, यहाँ तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं रुक रहा है ओंकार जी, क्या ये दोहरी नीति है? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा प्रश्न आपने उठाया है और इस संवेदना को प्रशासन और शासन को भी समझना चाहिए। मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर के ऐसे इलाके आज भी देखे गए हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलेन टाइप की मशीनें वहां लगी हुई हैं और पहाड़ियों को ट्रैफिक चला हुआ है। जी जी जी, और नीचे ट्रैफिक चला हुआ है। एक व्यक्ति जो है वो कहीं आधे किलोमीटर दूर जो है वो एक लाल सी झंडी लेके खड़ा हुआ है, वो इशारा करता है, कोई आदमी इशारा उसका देखता है, कोई नहीं देखता है और वो ट्रैफिक जो है वो चलता रहता है, बीच में ट्रैफिक रोक दिया जाता है और उनकी जो मशीनें हैं वो 24 घंटे चली हुई हैं, वो बंद नहीं हो रही हैं। शासन प्रशासन को इस चीज को
बहुत बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए, लेना चाहिए। बरसात का मौसम है, पहाड़ी की पहाड़ी ही अगर नीचे आ जाती है तो दर्जनों जो है वो वाहन उसके नीचे आ जाएंगे, वो नीचे आते आते वो गंगा में समा जाएंगे, कहने का मतलब किसी भी नदी में वो समा सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है जी। देखिए दो सिचुएशंस होती हैं, एक तो मौसम की वजह से अचानक नुकसान हो गया, प्राकृतिक है, कोई क्या कर सकता है। लेकिन ओंकार जी अगर ऐसे स्थानों पे कहीं इस वजह से कोई भगवान न करे दुर्घटना हो जाए कि वहां पे जी सड़क चौड़ी करने का काम चला हुआ है, कंपनी अपना काम कर रही है, प्रशासन उसको रोकना नहीं चाहता है, काम सरकारी है, कौन जिम्मेदार होगा? क्या मुआवजा दे देना ही किसी को किसी दुर्घटना के बाद कोई सॉल्यूशन है? मुआवजा से जिंदगी बिल्कुल सही बात है ओंकार जी। तो अगर कुछ नियम है, कायदे है, कानून है, तो इस विषय में प्रशासन कब सोचेगा, कब रोक लगेगी इस चीज पे? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं जो हमें बार बार कहा जा रहा था कि कार्यक्रम में आप दोबारा उठाइए। बहुत हमने परसों उठाई थी बात, आज पिछले कल और आज भी हमारे पास ऐसे बहुत सारी ये बातें आए, फोन आए, कोई संदेश आए कि इस मसले को फिर से उठाइए। ओंकार जी चलिए एक अंतिम प्रश्न मेरा, अब जो कि हमारा टाइटल भी है, बड़ी खबर आई है केंद्र से कि ब्लैक स्पॉट्स जो है हिमाचल की सड़कों पे जहां बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको जरा पहचानिए, एक फॉर्मूला भी दे दिया केंद्र सरकार ने कि उसको पहचानना कैसे है। आपने ऐसा नहीं कि मैंने कहा आपने कहा और हो गया, या फिर किसी और ने कहा कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, एक फॉर्मूला आ गया है केंद्र की ओर से। और बड़ी बात तो क्या है, इसका हल निकालने के लिए पैसे भी केंद्र ही देगा, मामला क्या है जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, केंद्र सरकार ने यह कहा है कि एक हिदायत दी है, एक निर्देश जैसा दिया है कि हिमाचल सरकार जी जी हिमाचल सरकार को कि ऐसी जगह को पहचानिए जहां 3 साल में अगर एक ही जगह 10 मौतें होती हैं और उसी जगह 5 हादसे होते हैं तो उसको ब्लैक स्पॉट माना जाए और इस ब्लैक स्पॉट को मानते हुए उसको उस क्षेत्र के आधे किलोमीटर एरिया को सेंसिटिव मान लिया जाए, ठीक है। और इस उसके जो सुधार के लिए है वो केंद्र सरकार जो है वो परिवहन, हिमाचल परिवहन विभाग को जो है इसका जितने भी उसका खर्चा आएगा वो सरकार सुधार करने के लिए, वो सेंसिटिविटी जो उसको दूर करने के लिए, पूरी तरह से दूर करने के लिए पैसा केंद्र देगा, पीडब्ल्यूडी को नहीं मिलेगा, ये पैसा मिलेगा परिवहन विभाग को। जी जी, तो इसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है उसने 18,380 करोड़ रुपए का एक जो है वो प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा है। अगर 18,380 करोड़ के इस प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है वो आप देखिए कि हिमाचल में एक क्रांतिकारी ये कदम होगा कि हमारी सड़कें जो है वो सुधर सकती है। जरूरत भी है ओंकार जी, हम सड़कों पे ऐसा मान के हम ऐसे अभ्यस्त हो चुके हैं दुर्घटनाओं के और हादसों के कि हम इसको खबर ही नहीं मानते, हम ये बोलते हैं कि जी हो गया क्या करना जी, मतलब अब भगवान ने नहीं सुनी, लेकिन भूल चूक तो हमारी भी है। अब केंद्र के इस ओर ध्यान गया है, ये बहुत अच्छी बात है, पैसे जल्द मिल जाएं और उसके सुधार आ जाए सड़कों पे। ओंकार जी सबने रोड टैक्स दिया होता है सुरक्षित जाने के लिए सारा, मतलब कौन चाहता है ऐसा, कोई भी अगर जानबूझ के किसी को ये बताया जाए ना कि वहाँ खतरा है आपने जाने के लिए लोग नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जनता तो यही समझती है ना कि रोड सेफ है, हमारी सरकार हमें देख रही है, विभाग लगा हुआ है, तो होना तो कुछ चाहिए।